तबला और ढोलक अगर आपको देखना है तो अमरोहा में बनता है। इत्र कन्नौज उसके लिए विख्यात है। लेजर आइटम को देखना है तो लेजर आइटम में आपको आगरा और कानपुर इसके लिए विख्यात है। कारपेट में दुनिया की बेहतरीन कारपेट को अगर आपको देखना है, दुनिया की बेहतरीन कारपेट को अगर आपको साड़ी पहनने का शौक है तो वाराणसी चले जाइए। यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें आपको, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें आप तो एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से अपने परंपरागत शिल्पकारों को कलाकारों को कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को हम लोगों ने आज से लगभग वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को हम लोगों ने आज से लगभग दो वर्ष पहले उसे प्रदेश के अंदर लागू किया था। ये वही अवध शिल्प ग्राम है जहां पर हम लोगों ने इस योजना को लॉन्च किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम है, बहुत अच्छे उसके परिणाम है और हमारे परंपरागत उद्यम उससे बहुत प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़कर के कार्य कर रहे हैं। हमने अपने दूसरे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर विगत वर्ष 2019 में 24 जनवरी को हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की एक अभिनव योजना यहां प्रारंभ की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, पूज्य बापू एक बात को कहते थे और वो कहते थे ग्राम स्वराज की बात। ग्राम स्वराज ग्राम स्वावलंबन का आधार बनता है। ग्राम स्वावलंबन का आधार क्या, आपने देखा होगा आप पुराने गांव में जाइए, उस गांव में सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा, एक गांव में सारी चीजें मिल जाएंगी बिना सरकार के सहयोग के। वहां पर गांव का राजमिस्त्री भी है, कारपेंटर भी है, नाव भी है, मोची भी है, गांव का हर एक कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको मिल जाएगा और गांव की व्यवस्था एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है। खेती करने वाला खेती किसानी का काम करता है, राजमिस्त्री अपना कार्य करता है, कारीगर अपना कार्य करता है, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जब खेती होगी किसान सबका हिस्सा उनके घर तक पहुंचा जाता है या वो व्यक्ति खेत किसान के खेत में जाकर के अपना हिस्सा ले लेता है, उसको पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्य किसी का रुकता नहीं लेकिन सभी एक दूसरे पर आधारित होकर के न केवल एक बेहतरीन सौहार्द और भाईचारे का संदेश गांव की संस्कृति के माध्यम से भारत की संस्कृति के माध्यम से देते हैं अभी तो उसके माध्यम से ग्राम स्वावलंबन और ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करता हुआ भी भारत का एक गांव दिखाई देता है। जो बापू ने बात कही थी वह आज भी भारत के प्राचीन गांव में देखने को मिलती है। लेकिन समय के अनुरूप बाजारीकरण के कारण आज जब वह संकट में था तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की उस योजना के अंतर्गत ही हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की कि गांव का नाऊ है, गांव का वोची है, गांव का हलवाई है, गांव का कारीगर है, गांव का विश्व किसी माटी कुम्हार है, गांव का किसी भी उस उद्यम से जुड़ा हुआ कोई भी कारीगर है जो परंपरागत कारीगरी से जुड़ा हुआ है, हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई कि भाई हम इन लोगों को, जो व्यक्ति आगे पढ़ना चाहता है, जो नौजवान पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम उस प्रकार के प्रोत्साहन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अगर पढ़ाई नहीं कर पाता है, बीच में अधूरी छोड़ देता है, अपने परंपरागत कार्य के साथ ही जोड़ना चाहता है लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल पाती, उसको मान्यता देने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम उसको 15 दिन का एक बहुत छोटा सर्टिफिकेट का एक कोर्स उसके लिए कराएंगे। सर्टिफिकेट के इस कोर्स के दौरान हम उसको एक निश्चित मानदेय भी देंगे, वह यहां प्रशिक्षण भी लेगा, साथ साथ उसको सरकार मानदेय भी देगी और जब उसका प्रशिक्षण पूरा होगा उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उसको टूल किट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें उस कार्य से जुड़े हुए सभी प्रकार के औजार उसके पास होंगे और वह गांव में जाना जाकर के अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता है तो वह उसके लिए शोरूम बनाने के लिए या कोई अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता है
तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, स्टैंडअप की योजना से, या फिर किसी भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, या फिर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया है। इन योजनाओं से सब्सिडी के साथ साथ आसान किस्तों पर बिना किसी गारंटी के लोन देने की व्यवस्था भी कराई गई है और बड़ी मात्रा में इससे लोग लाभान्वित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। तीसरा कार्य देश के अंदर पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड को भी प्रदेश के अंदर प्रोत्साहित किया। ये माटी कला बोर्ड प्लास्टिक और थर्माकोल के कारण हो रहे प्रदूषण और प्रकृति की व्यापक क्षति को रोकने के लिए उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हो सकता है और उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की कि एक ओर उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में, हर नगर निकाय में बड़ी मात्रा में तालाब पहले से मौजूद हैं। इन तालाबों में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा गांव में या शहर में या तो तालाब पाट दिए गए या फिर उसको गांव के या शहर के अंदर उस नगर निकाय के पूरे के ड्रेनेज और सीवर को उड़ेलने का एक अड्डा बना दिया गया। जिन तालाबों को जल संरक्षण का एक बेहतरीन केंद्र बनना चाहिए था उन तालाबों को हमने गंदगी का अड्डा बना दिया और उसके बाद वहां से प्रारंभ होती है तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियां। आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा होगा इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी थी वो इसी गंदगी का दुष्परिणाम था। हम लोगों ने उसको बाहर किया और हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि गांव का ड्रेनेज गांव से दूर कहीं एक अन्य गड्ढे में उसको डालेंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे तो सभी परंपरागत कारीगरों शिल्पकारों को प्रदर्शनियों में सब्सिडी दी जाएगी। 2018 से 19 में यूपी का एक्सपोर्ट 28% रहा तो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुनर हाट का आयोजन यहां पर किया गया जिसका उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये तमाम बातें। तो यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 से 19 में यूपी का एक्सपोर्ट 28% रहा। निवेश करने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसी लाते हैं, निवेशकों को जमीन देते हैं।